किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अयोध्या शहर के सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जनपद में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। केएम शुगर मिल में किसानों का अरबों रुपए का बकाया है। शुगर मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि 14 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान करने का नियम है। हमारी मांग है गन्ना भुगतान ब्याज सहित जल्द से जल्द कराया जाए। छुट्टा जानवरों में से किसानों की फसल चौपट हो जा रही है, छुट्टा जानवरों के फसल को बचाया जाए। साथ ही भयंकर गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। आइए भाई सतीश जी, आइए। जनपद के किसानों की समस्याएं बिल्कुल अंबार लगी है, यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बिल्कुल एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ केएम शुगर मिल द्वारा जो है अरबों रुपए गन्ना मूल्य बकाया है और कई महीने हो गया चीनी मिल बंद हुए, 14 दिन के बाद जो है वो ब्याज सहित भुगतान होने की व्यवस्था है, अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाए। छुट्टा जानवरों से पूरी खेती चौपट हो रही है, छुट्टा जानवरों से खेती को बचाया जाए। बिजली की दिक्कत इस वक्त बहुत है, गर्मी भयंकर है, विद्युत आपूर्ति सरकार कहती है कि बिल्कुल 20 घंटा करेंगे, 24 घंटा करेंगे, तो विद्युत आपूर्ति पूरी 24 घंटा करें। और बीकापुर में अभी हालत यह है कि इतना भयंकर गर्मी में भी 5000 के बकायेदार की लाइन काट दिया गया, और जब वो बकाया जमा कर दिया तो फिर वो बिल भी वो कनेक्शन नहीं जोड़ रहा, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, नेताओं के इतना बेलगाम हो गए हैं। तो यहाँ की जो समस्याएं बहुत सारी सी हैं, ये सामने तहसील है, यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार लगा है, यहाँ धारा 80 में जो है 30,000 रुपये वीसा है, 116 जो बंटवारा है उसका कुर्रा बनवाने के लिए 10,000 रुपये है, धारा 24 में पैमाइश के लिए 10,000 रुपये रेट खुला है। ये खुल्लम खुल्ला करते हैं कि यहाँ अयोध्या, यहाँ बहुत वीआईपी आते हैं, उनके पीछे बड़ा खर्चा होता है। जनपद के किसान